नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शांगटांग जल विद्युत परियोजना को जुलाई 2025 तक पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री से ठियोग विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए दिन व समय निर्धारित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार सायं हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने 450 मेगावाट क्षमता की शांगटांग जल विद्युत परियोजना को जुलाई 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए वर्ष 2012 में निविदा जारी की गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इसके निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में विलंब के कारण इनकी निर्माण लागत में वृद्धि होती है, जिससे राज्य को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी बाधाओं का निराकरण कर 3 माह के पश्चात एक और समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना के निर्माण के लिए निष्पादन कंपनी को श्रम शक्ति में वृद्धि कर शेष निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शांगटांग जल विद्युत ऊर्जा परियोजना के पूरा होने से वार्षिक 1579 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। इससे राज्य में 1300 करोड़ रुपए का विद्युत उत्पादन होगा। परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वित होने से 250 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसके राजस्व पर 156 करोड़ रुपए का ब्याज उपलब्ध होगा। इससे प्रदेश को कुल 1706 करोड़ रुपए का लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने लाभ अर्जित करने वाली तथा राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इस परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने पर बल दिया। राज्य सरकार जल विद्युत और सौर ऊर्जा के उपयोग से हिमाचल को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य ने वर्ष 2024 के अंत तक 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शुक्रवार को शिमला में ठियोग विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने श्री केहर सिंह खाची को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ठियोग के विधायक श्री कुलदीप सिंह राठौर और श्री केहर सिंह खाची के साथ चर्चा कर इस विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति प्रदान की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोहराया कि वे सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं तथा लोगों के कल्याण के लिए वर्तमान सरकार अनेक प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के अधिकारों के लिए केंद्र सरकार से भी इस बारे में निरंतर संवाद कर रही है। हमने कहा ना, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के बावजूद भी हम विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि विकास में कमी आए, लेकिन उसको ठीक करने का दायित्व भी जनता ने उसके कंधों पर सौंपा होता है, ताकि भविष्य में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ सके। अब सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार होता रहा, कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिकते रहे, एडवांस पेपर बिकते रहे। अब जो बच्चा पढ़कर सरकारी रोजगार प्राप्त करना चाहता है उसको ये वो तो मेहनत से आ रहा है, लेकिन कुछ पेपर खींच के सरकारी नौकरी लग गई। हमने कड़ा फैसला लिया, युवाओं के साथ धोखा ना हो, और कोऑर्डिनेट सिलेक्शन को भंग कर दिया। हम चाह रहे कि रोजगार के अवसर मिले, अभी थोड़ा समय चाहिए, एकदम ठीक नहीं होगा। मैंने कई बार कहा कि हमें आर्थिक स्थिति को ठीक करने में 4 साल लगेंगे, 4 साल तो आर्थिक स्थिति को ठीक करने में लगेंगे, उसके बाद हमारा प्रदेश समृद्धि के रास्ते पर चलेगा। लेकिन विकास जैसे कि रोजगार है, नौकरियां देनी है, काम करने हैं, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। उसमें हम अपने तरीके से भी बजट का प्रावधान कर रहे हैं। अभी वाटर सेस लगाया हमने, वाटर सेस आप पर नहीं लगाया, वाटर सेस लगाया जो बिजली पैदा करते हैं उन पर हम वाटर सेस लगाया है, कि बिजली पैदा करने पर हमारे हिमाचल के लोगों को भी कुछ पैसा मिलना चाहिए। कई जगह हमारे अधिकार हैं जो हम लड़ रहे हैं, मिल नहीं रहे, तो हम अपने अधिकारों के लिए भी तो लड़ना पड़ेगा ना, सरकार में रहते हुए, तो इसलिए भी हम लड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि जनता की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों से सप्ताह में 2 बार मिलेंगे। उन्होंने बताया कि आम जनता प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से प्रातः 11 बजे तक मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में मिल सकती है।
जबकि पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक सोमवार और गुरुवार साय 5 बजे से 6 बजे तक सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि विधायक, पूर्व विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री से प्रत्येक कार्य दिवस पर दोपहर 3 बजे से साय 5 बजे तक सचिवालय में मिल सकते हैं। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।